मतलब सुन के पहले मन पूछते कि इसका मतलब क्या है, तो मैं बहुत खुश हूँ टाइटल से क्योंकि इसी बहाने लोग देखेंगे कि भूतू होता क्या है। तो बट भूतू सुन के क्यूट नाम आता है, मुझे भूतों से डर नहीं लगता तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये नाम सुनकर। आपके दिमाग में क्या? नहीं, भूतू सुन के इट्स वेरी इंट्रीगिंग द नेम एंड सुन के क्यूटनेस झलकती है नाम से, तो यू आर इंट्रीग कि कुछ क्यूट सी चीज क्या है। इट्स लाइक व्हेन यू से ना क्यूट शोनू भूतू तो लगता है कि थोड़ा अच्छा लगता है, भूत के बारे में सुना लेकिन थोड़ा क्यूटनेस है इसके अंदर, क्यूट क्यूट वे नाम ही उसका प्यारा सा है। सो आई एम श्योर या आई लाइक द नेम, आई रियली लाइक द नेम। मैं जैसे आप जानते हैं भूतू जो पीहू है, मैं उसकी मॉम प्ले कर रही हूँ एंड द सीरियल इज द जर्नी ऑफ हाउ एवरीवन इज कोपिंग अप आफ्टर पीहू इज डेड। तो बच्ची के मरने के बाद बच्ची का क्या हालत है, उसके बाद माँ का क्या हालत है, पिता का क्या हालत है, उसके बाद जो फैमिली इंट्रोड्यूस होती है उनको ऊपर क्या है। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड लाइफ से आप कैसे कोप अप कर पाते हो और कैसे एक इंसान के अलग अलग शेड्स आपको दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये है। आई थिंक यू नो एज एक्टर्स वॉट एवर जो भी कैरेक्टर्स हम प्ले करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं लाइफ में, लाइफ के बारे में। सो आई थिंक ये कैरेक्टर मुझे इतना चैलेंजिंग और इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज इमोशनली बहुत ही एजी कैरेक्टर है कि वो दिखाने में वो अपनी वाइफ से हमेशा गुस्सा रहता है कि नाराज़ रहता है कि तुम मूव ऑन नहीं कर रही हो और रियलिटी में वो खुद ही जूझ रहा है इमोशन से। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये आपको सिखा रहा है कि लाइफ में अगर आपके कुछ ट्रेजेडी हो तो आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। सो इट्स फॉर मी आई एम यू नो यूजिंग दैट एज अ साइकिंग पॉइंट टू प्ले द कैरेक्टर, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट वे। सबसे पहली बात एक भूत की माँ कोई कैसे प्ले कर सकता है, यही उसमें सबसे चैलेंजिंग चीज़ है। एंड हाउ विल यू प्ले अ कैरेक्टर विच इज सपोज जैसे लोग आप जैसे कहा है कि आप भूत को नहीं देख सकते हो, आप भगवान को नहीं देख सकते हो, तो आप उसका पेरेंट कैसे प्ले करोगे। एंड इट्स जस्ट लाइक वेयर एक होता है, एक बॉन्डिंग होता है जब इवन आफ्टर समबडी इज़ लॉस आपका वो स्टिल कनेक्शन रहता है। जैसे अगर आप आपकी माँ से दूर भी रहते हो तो यू आर स्टिल कनेक्टेड टू योर मदर, सो इट्स द सेम फीलिंग। देर आर टाइम्स दैट इवन आफ्टर समबडी इज़ लॉस व्हेन यू नो कि वो वापस नहीं आने वाले, आपको फिर भी वो एक कनेक्शन महसूस रहता है। तो दैट इज़ देयर विद द फादर, दैट इज़ देयर विद द मदर, दैट इज़ देयर विद एवरीवन। तो वो एक कनेक्शन के थ्रू, जैसे बोलते हैं ना जिंदगी एक होप पे कायम है, तो वो एक स्लाइट रे ऑफ होप कि यू नो हो सकता है देयर इज़ अ चांस मैं अपनी बेटी से वापस मिल पाऊँ, जो सबको पता नहीं होगा, एवरीवन नोज, बट यू आर स्टिल अ ह्यूमन, यू विल स्टिल प्रे फॉर इट कि काश ये नहीं होता भगवान, काश मैं कुछ चेंज कर पाती। तो वो जो रिमोर्स है, जो रिग्रेट है, वो जब आप सीरियल देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो बच्ची इतनी अडोरेबल है, शी इज़ गोइंग टू टच एवरीवन्स हार्ट। एंड नॉट ओनली इज शी अ सुपीरियर एक्टर बट शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ वेरी शार्प, शी इज़ वेरी फन टू बी विद। उसके साथ सेट पे इतना मज़ा आता है, दिन भर एंटरटेन होते हैं। एंड मुझे पीहू के साथ वो मदर वाली फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी आ जाता है, वो इंस्टिंक्ट से आ जाता है उसको देख के, क्योंकि उससे कोई नफरत कर ही नहीं सकता, लाइक ऑटोमेटिकली यू जस्ट फील लाइक लविंग द चाइल्ड। तो पीहू के साथ मेरे कोई सीन्स मुझे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगता है, उसके बिना मैं बहुत डिफिकल्टी में पड़ जाती हूँ मेरे साथ अरे इनके साथ बहुत डिफिकल्ट, समझ नहीं आता क्या करूँ। हम वही बोलेंगे, बहुत प्यारी लड़की है, बिल्कुल नहीं डराती है, लेकिन आप नहीं देखोगे तो डराएगी बिल्कुल तो प्लीज देखिए शो। मैं भूत हूँ, पीहू, पर मैं भूत हूँ और मैं किसी को डराती नहीं हूँ, पर भूतों सब किसी को डराते हैं, पर मैं किसी को डराती नहीं हूँ, प्यार करती है सिर्फ। So she's Bhootu. She actually इसका नाम पीहू है शो में, पर लोग उसको भूतू भूतू बुलाने लगते हैं बिकॉज ये भूत है, लेकिन इतनी क्यूट है कि उसको भूतू बोल दिया हमने। और ये मेरी फ्रेंड है, मतलब हमारी फ्रेंडशिप बाद में होगी, पहले तो ये मुझे बहुत डराती है शो में, इतना डराती है, इतना डराती है कि मैं बहुत डरती हूँ। और फाइनली ये मुझे पता चल जाता है कि ये तो इतनी सी है, इतनी सी छोटी सी, तो हम कैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसको उसकी मम्मी से मिलना है, अब मुझे उसकी मम्मी से इसको मिलवाना है, क्योंकि पहले तो मैं इससे डर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा है कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ हर, कि जल्दी जाए और मम्मी से मिले।
तो पहले तो हमारे कुछ एपिसोड्स उसमें ही जाएंगे एंड कैसी हमारी जर्नी है, खट्टी मीठी, फनी है, इमोशनल है, इट्स वेरी नाइस. सो यू आर गोना लव द शो एंड हियर वी हैव भगवान कृष्ण. सो विराज कपूर इज प्लेइंग, या सो ही विल टॉक अबाउट हिज कैरेक्टर. मैं कृष्ण जी का रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं पीयू को बताने के लिए नीचे आता हूँ कि आपको कोई नहीं दे सकता है, आप किसी साथ खेल नहीं सकती हो. ये बहुत दुखी होती है कि मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, मेरे साथ कोई खेल नहीं रहा है. तो फिर मैं इसके साथ खेलता हूँ, इसे एंटरटेन करता हूँ. टचिंग इज आई डोंट नो दिस गर्ल इज सो लिटिल टाइनी, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड में, 7 इयर्स ओल्ड नो 7 इन द शो एंड ये कैसे अपनी माँ बाप से बिछड़ चुकी है, बेसिकली वो मर चुकी है, उसको पता नहीं है. तो पहले तो उसको पता ही नहीं कि लोग मुझे क्यों नहीं देख पा रहे हैं. तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो उसको पता चलता है कि अच्छा मैं हूँ नहीं दुनिया में. तो भगवान कहते हैं पूरी दुनिया में एक है तुम्हारी दोस्त या तुम्हारा दोस्त, लड़का या लड़की वो नहीं बताते हैं, कोई आने वाला है जो तुम्हें देख सुन पाएगा एंड वो मैं होती हूँ. क्योंकि मुझे मेरी शादी होने वाली है, मुझे फंक्शंस के लिए एक बड़ा सा बड़ी सी हवेली चाहिए होती है एंड आई गेट हर हाउस ऑन रेंट विच इज़ हॉन्टेड. पूरा लखनऊ में है कि ये घर तो भाई हॉन्टेड है, कोई नहीं लेता है, पर मैं बड़ी ब्रेव हूँ तो हमने कह रही चलो ना यार कुछ हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं है, मैं उसका घर ले लेती हूँ. एंड जब मुझे आवाज़ें सुनाई देती है, मेरा एक्चुअली इलाज होता है दिमाग का कि ये पागल है, इसको आवाज़ आवाज़ सुनाई देती है. फाइनली आई रियलाइज दैट नहीं, देर इज समवन हु इज़ हु वॉन्ट्स टू मीट हर मदर. और मैं कहती हूँ ठीक है मेरा घर खाली हो जाएगा, मैं उसको मिलवा ही देती हूँ. तो पहले तो हमारे कुछ एपिसोड इस बारे में है, फिर आगे हमारी कैसे कहानी होती है, कैसे वी बोथ फॉल इन लव विथ ईच अदर और हमारा बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है. एक मदरली लव मेरा इसके लिए होता है और ये कैसे मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती. लेकिन फिर भी कहानियों में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय. सो द कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट, इट्स क्यूट, इट्स नाइस, इट्स इमोशनल और बहुत प्यारा है, तो आप ज़रूर देखिएगा. हाँ यार मैंने तो सोचा ही नहीं एक्चुअली, तो शायद कृष्ण भगवान से कुछ कनेक्शन होगा मेरा, कृष्ण दासी एंड देन कृष्णा इज योर. सो बैक टू बैक आई हैव गॉट कृष्णा इन माई शो. थैंक यू. अभी तक के जितना भी सराहा है, आई एम श्योर अब हमारी बंगाली ऑडियंस ने बहुत सराहा है भूतू को. यू गाइस हैव लव्ड हर. विराज ने काफ़ी काम किया हुआ है, मैंने कुछ शोज़ किए हुए हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट कि अभी सब भूल जाओ, ये फ्रेश शो है, इसको फ्रेशनेस के साथ देखिए, एक ताजगी के साथ देखिए एंड यू गोना लव द स्टोरी. एक्सेप्ट अस एज आर कैरेक्टर्स एंड ज़रूर 6:30 बजे 21 अगस्त से भूतू ZTV पर ज़रूर देखें.